मान के चलते हैं कि आप 80s के एक पॉलिटिशियन हैं, आप वोट्स के लिए ही जीते हैं और वोट्स के लिए ही मरते हैं। अभी तक एज अ स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए किसी ने एजुकेशन लोन नहीं लिया है, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक 17-18 साल के बच्चे को लोन क्यों देगा। ना उसके पास जॉब है, ना एसेट्स हैं, ना ही कोई क्रेडिट हिस्ट्री। आप खुद सोचिए क्या आप अपना पैसा देना चाहेंगे। अब एज अ स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, पहला कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक साइड जॉब ढूंढ के नौकरी कर लें, और दूसरा कि आप हायर स्टडीज का सपना छोड़कर कोई छोटा काम कर लें। और दूसरा ऑप्शन उस टाइम काफी आसान था, बट ड्यूरिंग द 80s समथिंग मैजिकल वॉज ग्रोइंग ऑन। पॉलिटिशियंस की सोच छोटी और पॉलिटिक्स और बड़ा हो रहा था। पॉलिटिशियंस को वोट्स की कमी पड़ रही थी, अब उन्हें एक नई ऑडियंस की जरूरत थी वोट्स लेने के लिए। और किसी से वोट लेने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है किसी की बिगेस्ट पेन पॉइंट को सॉल्व करने की प्रॉमिस करना। और एक 18 साल के लड़के या लड़की का बिगेस्ट पेन पॉइंट क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स द कॉलेज एंड द हायर एजुकेशन। और यहाँ से शुरू होता है एक बिजनेस टू गेट द वोट फ्रॉम द अर्ली बर्ड्स हु कैन वोट। इट्स अ ह्यूमन राइट टू गेट द एजुकेशन, एंड एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू गो टू द स्कूल एंड एंजॉय द कॉलेज लाइफ। सो इफ यू वोट फॉर मी, आई विल मेक श्योर गवर्नमेंट लेट्स यू गेट अ लोन एंड यू कैन रिपे इट व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। एंड दैट्स व्हाट द पॉलिटिशियंस डिड। सरकार ने अब एजुकेशन लोन अलाउ कर दिया था। अगर स्टूडेंट्स लोन नहीं चुका पाए तो सरकार लोन का पूरा पैसा बैंक को चुकाएगी। अब बैंक्स को पैसे फ्री में मिल रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर लोन नहीं चुका पाए तो सरकार तो उन्हें पैसे देने ही वाली थी। तो इसलिए बैंक ने भी स्टूडेंट लोन देना शुरू कर दिया, और इस समय प्राइवेट कॉलेजेस की एंट्री इंडिया में हो चुकी थी। वंस द कॉलेजेस सॉ दैट ऑल दीस किड्स कैन बोरो मनी टू गो टू कॉलेज, well, they were like, this is great. I'm just going to raise prices. So all of a sudden, tuition started to go up. I mean, for a long time, you can look back in the in history, college tuition used to be pretty stable. It didn't go up very much until the 60s. और इस तरह कॉलेज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में अच्छी तरह ग्रो होने लगा। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि US, UK और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज का भी है। इंडिया एट लेट 90s वॉज ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ हेलीकॉप्टर। और इंडिया में इस वक्त जो ये एजुकेशन स्कैम स्टार्ट हुआ था, वो US, UK जैसी कंट्रीज में बहुत पहले से चल रहा था। एजुकेशन एट दिस पॉइंट इज अ रैकेट। आई मीन मोस्ट पीपल will never recoup the cost of a college degree. I mean, the colleges are out there perpetuating this myth. बिजनेस का मतलब होता है पैसे कमाना, और अब यूनिवर्सिटीज सोसाइटी और यूथ को एजुकेट कम बल्कि खुद एक मनी मेकिंग मशीन बन रही थी। अब फायदा हो रहा था पॉलिटिशियंस को, बैंक्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को। It benefits the bureaucracy. It doesn't benefit the kids. College, community college, they should be free in my view. Some higher education is the surest ticket to the middle class. A typical American with a bachelor's degree or higher earns over $28,000 more per year. You can go to university to not be something instead of going to university to be something. And that's, it's Pleasure Island. Almost half the students who get loans don't graduate in 6 years. So iske liye higher education institutions ko bhi empower karna zaruri hai. Now, many students were getting loan easily. As a result, colleges were increasing their fees. और obvious सी बात है, अगर आप भी एक कॉलेज के इंचार्ज होते तो आप भी यही करते, मैं भी करता। अब teenagers के पास पैसे हैं, और as a teenager, what do we need? Do we really need a good syllabus, good curriculum and all? It might be yes in your case, but it's a big no in 99.9% of the cases. We need having fun, love and all the things other than education. After all, we are competing with the American college culture, and as an Indian citizen, we have rights to copy or follow any culture, right? And that's what we as Indians are heading towards. Lekin isme galat kya hai? It's normal. If it is normal, so do you really think that your university gonna take care about your education? Well, not. They will care about big movie theaters, indoor stadiums, gyms, malls, and luxury restaurants.
you can go to university to not be something instead of going to university to be something. And that's, it's Pleasure Island. Now, a private or a government college will focus on bigger campuses and to please the students. Here you can see how this graph of tuition fee is ridiculously increasing, leaving behind the rate of inflation. और अगर हम आज की बात करें तो colleges education loan पे dependent हैं, because India has not many students and many kids can't even afford the higher education. So the loans themselves became the reason that people needed the loans, because the loans were why college was so expensive. और आज इस बिजनेस में काफी कंपटीशन भी बढ़ रहा है. एज अ रिजल्ट नाउ कंपनीज आई मीन यूनिवर्सिटीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिगेस्ट कैंपस, कैफेटेरिया एंड टू प्लीज द स्टूडेंट्स. अब यूनिवर्सिटीज वालों को कैसे पता चलेगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, कितनी टेंशन है हमें. लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट्स लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं डालते, हम उन्हें सॉल्व भी करते हैं. और अगर स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है. क्रिएटेड बाय आर्ट स्टूडेंट नीमो मिलर, द क्लोजेट इज मेंट टू रिलीव द स्ट्रेस ऑफ फाइनल्स. अ साइन ऑन द डोर इनवाइट्स स्टूडेंट्स इन टू टेक अ ब्रेक. लेट्स गेट अ लुक एट व्हाट्स इनसाइड द क्लोजेट. स्टफ्ड एनिमल्स फॉर कंफर्ट, लाइट्स, and of course a timer to keep track of how long you're in there for. But agar aapko ye lagta hai ki ye is racket ka the end hai, oops, you are so sadly mistaken.